आजमगढ़ जिले में शहर युवक कांग्रेस अध्यक्ष अमर बहादुर यादव और एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष विशाल दुबे के संयुक्त नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने सरकार के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। बता दें कि ये यज्ञ हवन गांधी प्रतिमा के समक्ष किया गया। आचार्य के रूप में कांग्रेस प्रवक्ता ओमकार पांडे ने यज्ञ एवं हवन का कार्य विधिवत संपन्न कराया। एनएसयूआई के अध्यक्ष विशाल दुबे ने कहा कि आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों से आम आदमी पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ऐसे में सरकार द्वारा आम जनता की पीड़ा दूर करने पर जो पैसा खर्च करना चाहिए उसे शिलान्यास के नाम पर बीजेपी का चेहरा चमकाने के लिए ऐसे जलसों का आयोजन किया जा रहा है। इंटर तक के विद्यालयों को बंद कर छात्रों का नुकसान किया गया। ग्राम प्रधान, बस संचालकों सहित कार्यक्रम के लिए तमाम लोगों का शोषण किया गया। सरकार जनता के असल मुद्दों महंगाई, बेरोजगारी पर बात नहीं करती, इसलिए सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। आइए सुनाते हैं आपको एनएसयूआई के अध्यक्ष विशाल दुबे का बयान और देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। आज हम सभी युवा छात्र नेता, आज आप सभी लोग जानते हैं कि देश के गृह मंत्री का आजमगढ़ में विश्वविद्यालय अभियान को लेकर एक शिलान्यास का एक आयोजन हुआ। हम स्वागत करते हैं उनका यहाँ इस धरती पे, और ये बहुत ही अच्छा हुआ कि विश्वविद्यालय का उन्होंने दिया। लेकिन आप सब जानते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का प्रत्येक नागरिक महंगाई के इस मंदी के दौर में कोरोना की वजह से जिस तरीके की महंगाई आई, जिस तरीके का इन लोगों का बयान था, उसके वजह से सभी लोग परेशान हैं। उसके बावजूद भी जिस तरीके का ये लाखों करोड़ों रुपये का खर्च करके जिस तरीके का ये जलसे का आयोजन करा रहे हैं, उसका हम विरोध करते हैं। इसके लिए आज हम सभी साथियों ने यहाँ बुद्धि शुद्धि हवन का आयोजन किया, और हम भगवान से मनाते हैं कि भाजपा ही कार्यकर्ताओं को भगवान सद्बुद्धि दें। आप लोग देख रहे हैं तमाम प्रकार के इन लोगों के ऐसे कारनामे जो भारतीय लोकतंत्र में इससे पहले नहीं देखा गया। आपने देखा होगा कि भारत के सर्वोच्च पुरस्कार पाने वाली, भारत सरकार में सर्वोच्च पुरस्कार मिला कंगना रनौत को, उन्होंने कहा कि देश में आजादी जो पहले मिली थी वो भीख में मिली थी, बाद में जो मिली 2014 में आजाद हुआ। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।